हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं अभी से एक फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए जो सेकंड शिफ्ट है नेवी एमआर के 24-2 यानी आज के एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं, और हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि और भी जो भाई हैं सब लोगों के पास वीडियो पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का करवाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके देख सकते हो, और कल की भी जो वीडियोज थी उनको भी देख सकते हो, ठीक है। अभी शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आया था कि CRPF की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों सही आंसर होगा पीवी सिंधु जो बैडमिंटन स्टार हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये CRPF की ब्रांड एम्बेसडर इनको ही बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पीवी सिंधु जिन्होंने भी टिक किया है उनका सही है। आगे क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन आ गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या, यानी देश की मुद्राओं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, तो टका होती है बांग्लादेश की मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, कला शैली है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो दोस्तों जो रंगोली है ये कला शैली प्रमुख है महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र की में इसकी प्रमुखता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सार्क, जो कि मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों का, सार्क संगठन, वो उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, और कल मैंने मिक्सर क्वेश्चन में सारा आपका करवा दिया था ये सार्क और जितने भी ये संगठन है आपके उन सब क्वेश्चन को करवाया था, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है, आपका एग्जाम बाद में है। तो सार्क का फुल फॉर्म आया था, सार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म, क्या, दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, PWD का फुल फॉर्म आया था, ये भी फुल फॉर्म आया था कि PWD का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है PWD का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन आ रहा है और दूसरे देशों की राजधानियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रसेल्स, ठीक है, सिटी ऑफ ब्रसेल्स बोला जाता है, ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी पूछा गया था, तो दादर एवं नागर हवेली की राजधानी होती है सिलवासा है, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी। आगे बढ़ते हैं, सबरीमाला कहाँ स्थित है, सबरीमाला का मंदिर के बारे में अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ये मुद्दा था हवा में, तो आपने ज़रूर सुना होगा, ये जो है केरल में मौजूद है सबरीमाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध का बचपन कहाँ बीता, इसी टाइप का क्वेश्चन था, मुझे जो क्वेश्चन मिला मैंने उसका जवाब दिया है। गौतम बुद्ध का जो बचपन था और जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, तो ये वहीं पे बीता था। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति के नहीं होने पर शासन कौन संभालेगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उनका वो जो शासन होगा वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, ठीक। भारत के अभी राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता आगे पूछ दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी किया जा रहा है और बहुत ही इजी टाइप का करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन अभी का थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही ज़्यादा चर्चा में जो मूवी थी दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कि मनमोहन सिंह के ऊपर उनकी जीवनी पे ये मूवी है और इसमें जो लीड रोल में है वो है अनुपम खेर, तो इसके बारे में सुना होगा। तो इसके जो राइटर हैं ये एक बुक है और बुक से प्रेरित होकर उस मूवी को बनाया गया था, तो ये बुक का जो राइटर है बुक के वो है संजय बारू जी, ठीक है, संजय बारू ने ये लिखी है कथा, ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, संजय बारू इसका सही आंसर होगा। IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म एक और आया था, देखिए तीन फुल फॉर्म के क्वेश्चन हो गए अभी, देख लिया आपने इतने 12 क्वेश्चन में ही, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन आया था कि 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं हम, धोलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धोलावीरा जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ये हड़प्पा की के टाइम का जगह है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था तो सिंधु नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में है भारत में? तो वित्त आयोग जो है वो 280 अनुच्छेद नंबर 280 में इसका जिक्र है, ठीक है, वित्त आयोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि शहजार रिग्बी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी आज आया हुआ था, तो उस खेल से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा खेल पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे शहजार रिग्बी का जो संबंध है वो शूटिंग से है, ठीक है, शूटिंग से। ऑप्शन अब क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शूटिंग से संबंधित है, शहजार रिग्बी, ठीक है, शूटिंग। अगला 17 नंबर, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO, कल भी ये क्वेश्चन आया था आपको, मैं बता दूं कल क्वेश्चन आया था, आप लोगों को मैंने बताया भी था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। और ये मैंने जो मिक्सचर क्वेश्चन करवाया था उसमें ये क्वेश्चन कल रात में भी बोला था कि आप लोग देख लो, क्या पता रिपीट कर दिया जाए, और रिपीट कर ही दिया, आज भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सही आंसर जिनेवा है, जिन्होंने भी जिनेवा किया है बिल्कुल सही होगा, और जिन्होंने पढ़ाई किया है उन लोगों का ये सब क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए राजधानी का भी दो तीन प्रश्न हो गया यहाँ पे, तो राजधानी ब्रिटेन की जो है लंदन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके की राजधानी लंदन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन था कि भारत का पहला अखबार कौन था? तो भारत में जो पहला अखबार था वो था बंगाल गेजेट, बंगाल गेजेट उसका नाम था, और ये बंगाल में जारी किया गया था, पश्चिम बंगाल कोलकाता में जारी किया गया था। भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गेजेट। अब ऑप्शंस क्या था ये आपने देखे होंगे, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो था वो यही था। आगे था एक क्वेश्चन कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डेविस कप है दोस्तों ये संबंधित है टेनिस टूर्नामेंट से, ये पुरुषों का टेनिस होता है टूर्नामेंट, और ये इसे डेविस कप बोलते हैं, तो ये टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं, और ये क्वेश्चन आए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू हाई हो सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, और लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा ज़्यादा लेवल कर दिया गया है जो कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, और आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाओ चैनल पे और खोल करके आप जाओ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन के जो भी वीडियोज़ हैं मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आपको जाना है ओपन करना है और देखना है। क्या पता कल आपका एग्ज़ाम हो या फिर शाम को एग्ज़ाम हो आपका हो जाए, शाम वालों को तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कल जिनका हो उनका हो जाए, तो प्लीज यार आप लोग जाओ और ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करो, ताकि कोई हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन उससे मिल जाए तो क्या दिक्कत है। उसके बाद मैंने जो भी मिक्सर क्वेश्चन की दो वीडियोस बनाई है, एक कल रात में एक अभी सुबह में बनाया था, दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लो, उसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग प्लीज जाके देखो, क्योंकि अभी मैंने जो भी दो शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और दोनों का मैंने देखा, और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम के आधार पे मैंने बनाया था, तो आप लोग जाओ और उसको देखो, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे मैं बोलता हूँ कि आपका जो कल का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, ठीक है, चारों का, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसको अलग अलग वीडियोज़ में मैंने बनाया था, और सबका जो है सब वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, और एक दो का तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके देख सकेंगे, और आज जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो बनाई है वो भी मिल जाएगी। अब आगे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि इसकी PDF दे दो भाई, तो देखिए PDF मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सा टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको सब जितना भी ये क्वेश्चन होगा सबका PDF एकदम अच्छे से मिलेगा, अच्छा मतलब उसका जो क्वालिटी होगा बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे से बना करके मैं दूंगा आप लोगों को, घबराओ मत आप लोग, बस चैनल से जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप हेल्प करना चाहते हैं कैंडिडेट्स की, तो आप खुद के क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, चाहे जितने आपको याद हो
आप भेज करके और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भेजे हैं जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा और कैंडिडेट्स के बिहाफ पे कि उन्होंने भेजा और सबकी मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप लोग सबको देखकर चल रहे हैं और सबको चलना भी चाहिए। आप लोग ऐसे ही भेजते रहो मुझे क्वेश्चन, क्योंकि आप भेजोगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजते रहो ताकि और भी कैंडिडेट्स हों जो कि बहुत ही बेचैनी से आपके एग्ज़ाम होने का इंतज़ार करते हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर पता चले कि कैसा क्वेश्चन आया था और क्या क्या क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे ही भेजते रहो, सेंड करते रहो। सेंड कहाँ करना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो ईमेल आईडी पे studywithabhishek@gmail.com। वहाँ पे उसके बाद मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के भी मुझे भेज सकते हो। कोई समस्या हो आप पूछ भी सकते हो वहाँ से कोई भी सवाल। और उसके बाद आप जितना ज़्यादा भेज सकते हो भेजो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास वीडियो पहुंच सके। तो बस यही क्लियर करना था। बाकी और एक पूरी तरह से साइंस मैथमेटिक्स और जीके की वीडियो अच्छे से बना करके मैं दूंगा, बड़ी वीडियो होगी लेकिन मैं दूंगा, आप लोग वेट करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।